जय श्री महाकाल। आदेश कल्प अर्थात ज्ञान चक्षुओं से देखने योग, जो चर्म चक्षुओं से न देखा जा सके, ये आंतरिक बोध है जो प्रत्यक्ष है। ये शब्द अनेकों जगह प्रयुक्त है, कल्प शब्द अनेकों जगह प्रयुक्त है, लेकिन इसका एक स्वरूप ये भी है। तो बात करते हैं समझ की, प्रयोग की, सूत्र की। ज्ञान के संग्रहण से लाभ क्या है अगर वो घटित ना हो, वो आत्मसात ना हो। साधु प्रथम चरण है साधुता में प्रवेश का, अर्थात साधना क्षेत्र में प्रवेश का। साधु का अर्थ है साधक, साधु जो है वो है साधक, और पूर्णता सिद्ध के रूप में आत्मसात होता है। जब वो सिद्ध में परिवर्तित हो जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है, लेकिन जब तक वो साधु है तब तक वो साधक है। और संत प्रथम चरण है भक्ति में प्रवेश का। आप किसी भी मार्ग को चुने, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, या साधना मार्ग हो, लेकिन कुटिलता, लालच, चतुराई, बचाओ अगर शेष रह जाते हैं तो आप छले जाएंगे, परीक्षाओं के चक्र में फंसेंगे, फिर कहीं पहुंचना ना होगा। तो एक कहानी है सियारदास जी की। सियारदास जी ने विचार किया क्यों ना तीर्थाटन के लिए जाया जाए। तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े, अपना थैला उठाया, उसमें जरूरत की वस्तुएं रखी और चल पड़े। उस समय यातायात व्यवस्था इतनी अच्छी और सुलभ नहीं थी, तो उन्होंने जंगल का रास्ता पकड़ा, कई गांव पार किए, नदी पहाड़ पार किए। रास्ता दुर्गम था, जंगलों से होते हुए सियारदास जी चले जा रहे थे। चलते चलते शाम होने लगी, कोई ठहरने योग्य स्थान ना मिला। सोचे चलो कोई बात नहीं, किसी वृक्ष पर मचान बनाकर रात गुजार लूँगा। रात हो गई, सियारदास ने एक सही जगह, एक सही स्थान का चुनाव किया। एक अच्छा बड़ा वृक्ष था, वृक्ष पर चढ़ गए। प्यास भी लगी थी, पानी की कहीं व्यवस्था ना थी। वृक्ष पर बैठे बैठे सोचने लगे, काश पानी मिल जाता तो आनंद आ जाता। तभी वृक्ष के तने से एक जलधार फूट पड़ी, पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। सियारदास ने चौंक कर देखा तो आनंदित हो उठ। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी उस रात्रि, मध्यम मध्यम प्रकाश था। वो वृक्ष से उतरे, तृप्त होकर जल पिया, फिर वृक्ष पर चढ़ गए, प्रभु को धन्यवाद दिया। अब भूख का भी एहसास होने लगा था, पूरे दिन का परिश्रम, थके हुए थे, शरीर ऊर्जा पूर्ति के लिए भोजन मांग रहा था। सियारदास सोच रहे थे काश भोजन की भी व्यवस्था हो जाती तो और उत्तम था। तभी उनकी गोद में एक पोटली गिरी, उन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया, आश्चर्यचकित थे। पोटली खोली, उसमें उनके लिए पर्याप्त भोजन था, और भोजन भी वो था जो उन्हें रुचिकर लगता था। बड़े आनंद भाव से भोजन किया, बड़े आनंदित हुए। फिर सोचने लगे, पेट भर गया था, अब आराम की इच्छा हुई। सोचने लगे बढ़िया बिस्तर लगे होते तो आनंददायक नींद आती। सियारदास के सर के ऊपर डालियों में खड़खड़ाहट हुई, उन्होंने सर उठाकर देखा तो मचान बनी हुई थी। ऊपर चढ़े, विस्मृत हो गए, उस मचान पर कालीन, गद्दे, चद्दर, मसनद सब मौजूद थे। मचान पर चढ़ गए, पैर फैलाए और लेट गए। तो हर व्यक्ति में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों होती हैं, सियारदास भी इससे अछूते नहीं थे। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा, उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। सियारदास को विचार आया, ईश्वर इतने कृपालु कैसे हो गए, अभी तक तो ना थे, मैंने कई चीज़ें मांगी कभी ना मिली, आज तो सोचने भर से हर चीज़ उपलब्ध हो रही है। ये हो ना हो इस वृक्ष का शैतान है जो सब चीज़ें मुहैया करा रहा है, मुझे खिलाने पिलाने के बाद वो सामने आएगा और मुझे पेड़ से नीचे पटकेगा, फिर खा जाएगा,
और मेरी आत्मा को खाके बलिष्ठ बनेगा। यही तो काम होता है राक्षसों का, भूत प्रेतों का, कि ये आत्मा खाके बलिष्ठ बनते हैं। तभी वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ, बड़े बड़े दांत, विकराल स्वरूप। उसने सियादास को पकड़ा और पेड़ के नीचे पटक दिया। अधमरे सियादास को उसने उठाया और अपनी विशाल दाढ़ों से सियादास को चबा डाला। तो सियादास में कुटिलता, लालच, चतुराई, बचाव से थे, इसलिए वो छले गए। ये वृक्ष कोई ऐसा वैसा वृक्ष नहीं था जो सियादास को मिला, ये कल्प वृक्ष था। ये सोच के अनुरूप देता था, जो आप सोचते थे वो आपको मिलता था, जिससे सियादास का जीवन बदल जाना था। लेकिन कुटिलता ले डूबी, तो कहते हैं कुटिल वृत्ति किलपत रहे, कल्प वृक्ष की छाँव। ये वही कुटिल लोग हैं, क्योंकि कुटिलता कभी ना कभी चूक करा देगी, चतुराई कहीं ना कहीं डुबा देगी, और फिर सघन परीक्षाएं शुरू होंगी, जैसे महाकाल आदेश।